फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 26 आई है। पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए। मैथ्स की वर्कशीट है, लिख लीजिए, डेट लिख लीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम और क्लास आप लिख लेंगे। चलिए तो पढ़ना शुरू करते हैं। क्लास के साथ अपना सेक्शन लिखेंगे। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सभी सकुशल होंगे। आज हम नीचे दिए गए खेल को खेलेंगे। आपको एक चित्र पहेली दी गई है। इस पहेली को अपने घर के सदस्यों की मदद से हल कीजिए और फिर कॉपी में भी लिखिए। तो देखिए, चित्र पहेली में आपको क्या दिया है। दिए गए चित्र को एक जैसा बनाने की कोशिश की गई थी, परंतु बनाते समय चित्र दो में कुछ गलतियाँ हो गई। आप किन्हीं चार गलतियों को ढूंढकर अपने अध्यापक या अध्यापिका के साथ साझा कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको दो चित्र दिए गए हैं जिसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं। जैसे कि ये बटरफ्लाई को देखिए, ठीक है, यहाँ की बटरफ्लाई को देखिए, ये आपका जो नीचे का हिस्सा है, ये वाला गमले का ऊपर और नीचे का हिस्सा, इसको देखिए। यहाँ फूल और रिबन के डॉट को देखिए ज़रा, ठीक है, यहाँ इस फूल के गोले को देखिए, यहाँ बटरफ्लाई के डायरेक्शन को देखिए, यहाँ पे एक बटरफ्लाई है जबकि यहाँ दो बटरफ्लाईज हैं। तो इन सबको आप सही कर लेंगे। आपको चार बताने थे, मैंने तो आपको इतने ढेर सारे बता दिए हैं। अब आप जो चाहें वो लिख सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए, यहाँ लिखा है दिए गए चित्र को सही संख्याओं के साथ मिलाइए। तो जल्दी जल्दी मिला लेते हैं। कितनी है गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो कितनी है, 10। तो हम इसे 10 के साथ मिलाएंगे। चलिए भाई, ये मिल गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसे 7 से मिला दीजिए, ठीक है। उसके बाद अगला क्या है आपका, 1 2 3 4 5 6। इसे 6 से मिला दीजिए। ये 1 है, इसको 1 से मिला दीजिए। इसके बाद आप आगे देखिए, यहाँ पे 1 2 3 है, तो इसको 3 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 है, इसको 5 से मिला दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 है, इसको 4 से मिला दीजिए, जबकि 1 2 इसको 2 से मिला दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको अगला दिया गया है, इसमें आपको किससे मिलाना है, ये है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसे 8 से मिला दीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसे 9 से मिला दीजिए। तो इस तरह से ये आपके कंप्लीट होते हैं। अब आपको इसमें और कुछ नहीं करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल चलिए, आज की वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।